सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 9th क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 4। हमने इसकी लास्ट वीडियो में कागज बांट की थी, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी स्केल है, मुश्किल नहीं है। ये आपका दराज है, जिसमें जैसे टेबल में आपने आम दराज देखे होंगे, ये दराज की स्केल है। तो इसको हमने कंप्लीट करना है। जैसा कि आपको बुक अगर आप देख रहे हैं या आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है कि इसमें दराज में आगे से एक डंडी लगी हुई है खींचने के लिए, जिससे हम दराज को बाहर खींच सकते हैं। और बाकी इसमें डॉटेड आने, यही आपका डार्क आना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमारा ये सॉल्व होनी है स्केल। तो देखिए, इसमें आगे की जो फट्टी लगी हुई है, इसके साथ दो फट्टियाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये हमारी डॉटेड आएगी 2 सेंटीमीटर की लाइन। मैं यहाँ पे डॉटेड लगा देता हूँ 2 सेंटीमीटर इस तरह से। यहाँ पे भी आपका 2 सेंटीमीटर डॉटेड है। इस तरह से डॉटेड लाइन आएगी। यहाँ पे इसको खींचने के लिए जो है वो लगाया हुआ है हथड़ी, जिससे हम इसको खींचते हैं। तो वो है, यहाँ से दूरी उसकी है 17 सेंटीमीटर, 17 के बाद ये है 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा निशान लगाना है, ये 15, 16, 17 के बाद है 8 सेंटीमीटर। ये आपका 5, 6, 7, 8 इस तरह से। यहाँ भी हम इसी तरह से इसमें निशान लगा देंगे। ये आपका 17 है, ये आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ हमने डॉटेड लाइन लगानी है, हल्की सी लाइन लगानी है, क्योंकि हमें ज़रूरत तो थोड़ी सी बीच में ही है, ज़्यादा तो हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह से। बीच में जो है ये 2 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई है। तो हमने, हमारे पास ऊपर से है ये 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसका हाफ लेना ये 5, तो हम 1 सेंटीमीटर इधर काट देंगे, मतलब 4, और एक इधर काट देंगे, तो 4 और 4 छोड़ देंगे, बीच में हमारा 2 अपने आप बच जाएगा। तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, या नीचे से ऊपर 4 या ऊपर से नीचे 4, इस तरह से हम करेंगे। और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डार्क आना है यहाँ पे, और इस तरह से जो बाकी आपकी लाइन है, ये हमने हल्की लाइन जो लगाई थी ये हमारी अब मिट जाएगी, इसका कोई कार्य नहीं है। इस तरह से ये आपकी एलिवेशन बनेगी, और ये एलिवेशन आपकी बन के तैयार हो गई है। और हमने बनानी है साइड, साइड में भी जैसे हमने यहाँ ये जो आपके 2-2 सेंटीमीटर के हमने लगाए थे, यहाँ पीछे से क्या है कि यहाँ तो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यहाँ 4 सेंटीमीटर बाद 2 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पहले हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा डॉटेड आएगा। इस तरह से अब हमने यहाँ से पीछे से पहले हमने 4 सेंटीमीटर लेना है, ये आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, इसके बाद हमारा है 2 सेंटीमीटर इस तरह से। यहाँ से हम काटेंगे 4 सेंटीमीटर, फिर हमारा आएगा 2 सेंटीमीटर, ये आप देखिए, और ये भी हमारा आना है डॉटेड आना है।
इस तरह से। अब जो ये आपकी फट्टी है, ये यहाँ पे दराज को खींचने के लिए जो लगा रखी है, ये लंबाई में 8 है, इधर को आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पे हमारे को 2x2 का इसका वर्ग हमें शो करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं नापना, हमने यहाँ से इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे जो है इसी की हमने आगे जैसे ये रेखा है, इसी की रेखा के आगे हमने यहाँ पे रेखा लगा देनी है इस तरह से। बाद में हम इसको बेशक नाप देंगे, अभी हम हल्का इसको लगाएंगे। और ये देखिए इसी के साथ हमने इस तरह से लगानी है। अब हम इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक काट देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और ये आपका आ गया 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे दराज में जो है वो बनेगा। जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये हमें इस तरह से कुछ दिखाई देगा। इस तरह से ये आपका एलिवेशन और साइड दोनों बन के तैयार हो गए हैं। और हमने बनाना है इसका प्लान। प्लान बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अब हम जो है वो यहाँ से इसके प्रोजेक्शन लेते हैं साइड के। ये हम इसके प्रोजेक्शन ले लेंगे यहाँ पे। पहले ये हमारे पॉइंट आ जाते हैं एक्चुअल में ये, और यहाँ से ये इस तरह से, ये जो है आपका इसकी हम लाइन यहाँ पे ले लेंगे और हम इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ये आपकी रेखा है इस तरह से। और हमने क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन अब हमने एलिवेशन में उसमें सॉरी अपने प्लान में लेने हैं। और प्लान में ये जो है वो इसका प्लान सारा ही डार्क बनेगा, डॉटेड इसमें प्लान नहीं है। सबसे पहले ये वाली लाइन पहले ये लगनी है। तो मैं इसको यहाँ से सर्कल से लगाता हूँ, उससे प्रोजेक्शन हमारे बिल्कुल सीधे आते हैं। ये आप देखिए इसके समानांतर यहाँ से इस पॉइंट से, ये देखिए यहाँ पे आपने देखना है आपके बुक में जैसा दिया हुआ वैसा ही कर। ये सबसे पहले लाइन है, उसके बाद ये लाइनें हैं हमारी, उसके बाद आपकी ये लाइन है और आपकी ये लाइन है। यदि आप इसी ढंग से कार्य करेंगे तो आपने देखना है वीडियो का जो टाइम होता है मेरा ज़्यादा 10-12 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो नहीं बनती है। तो आप समझिए कि 24 नंबर लेने के लिए आपको 10-12 मिनट का ही काम करना होता है। और 10-12 मिनट आपके पेपर को डिवाइड करने में लगते हैं और 10-12 मिनट ही सारे आपके स्केल को तैयार करने में लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका 4 सेंटीमीटर के बाद पीछे से 4 सेंटीमीटर है, तो आपकी ये लाइन यहाँ डार्क आ जाएगी। और अब आगे 2 सेंटीमीटर है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से लाइन थोड़ी सी मैं इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से बनेगी। और जो आपकी ये लास्ट की लाइन है, इस लाइन का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका प्लान कुछ बन चुका है। थोड़ा सा इसमें कार्य और बचता है और वो है ये वाली रेखा जो आपकी आ रही है, ये हमने यहाँ पे आगे जो है वो डॉटेड लगानी है लाइन 2 और 18 वाली। तो मैं यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ले लेता हूँ पहले ये वाले, ये इसके सीध में यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर की मोटाई पे लाइन आनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और अब यहाँ से जो है इस रेखा से इस रेखा के समान अंतर मैंने यहाँ पे लेनी है रेखा ये 2 पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो है ये आपकी स्केल जो है वो बन जाएगी। और ये आपकी
हार्डली 11-12 मिनट की आपकी सारी स्केल है, मैम समय आपका लगा है और ये आपकी जो स्केल वो बन के तैयार हो गई है। अब आपने यहाँ पे इसमें पैमाना बनाना है और मैंने आपको पैमाना पहली, दूसरी और तीसरी तीन स्केलों में बना के बताया है, इसलिए अब मैं पैमाना इसमें नहीं बना रहा हूँ, ये आपने बनाना है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी मैंने इसमें एलिवेशन, साइट, प्लान और आपका प्रोजेक्शन, इसमें हाइट, लेंथ, सॉरी ये आपकी ब्रेथ, लेंथ, सब कुछ मैंने इसमें बना दिया है। सिर्फ आपके लिए जो कार्य बचता है ये आपका है प्लान का, सॉरी अपना स्केल का, और स्केल आपने इसमें खुद बनाना है, फुट्टा जो है वो आपने इसमें खुद बनाना है। यदि आपको आता है बनाना बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप पहली, दूसरी, तीसरी स्केल देख सकते हैं, उसमें भी आप इसको देख करके फिर सीख सकते हैं कि कैसे फुट्टा बनता है। और यही फुट्टा जो है वो हमारा लगा है सभी स्केलों में, 1.5 ही अभी तक हमने स्केल कार्ड यूज किया है, तो यही कार्ड जो है वो आपने भी इसमें बनाना है। तो ये आपकी स्केल नंबर 4 सॉल्व करके कंप्लीट हो चुकी है।